हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयरिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले व्हाट इज़ ट्रांजिस्टर, मतलब ट्रांजिस्टर क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका क्या काम होता है, इसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप किसी टेक्निकल कोर्स की ट्रेनिंग लेते हैं, चाहे वो मोबाइल रिपेयरिंग हो, लैपटॉप रिपेयरिंग हो, कंप्यूटर रिपेयरिंग हो या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ भी, किसी भी तरह की कोई आप रिपेयरिंग या ट्रेनिंग कोर्सेस करते हैं, तो उसमें जितने भी जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, फ्यूज, कॉइल, इन सभी कंपोनेंट्स में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है ट्रांजिस्टर। जब तक आपको ट्रांजिस्टर का कंसेप्ट पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पूरा कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपोनेंट्स काम करते हैं, सप्लाई वोल्टेज और एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं। इससे पहले हमने मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग के लेसन में जितने भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जो लेसन बनाए, जिनमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, फ्यूज, कॉइल, डायोड, ये सब भी अपनी अपनी जगह सही है, बिना इनके भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट नहीं होता है। क्योंकि जब तक ट्रांजिस्टर का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप किसी भी फील्ड में, चाहे वो मोबाइल रिपेयरिंग की हो या लैपटॉप की हो, कंप्यूटर हार्डवेयर की हो या इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड और किसी फील्ड की अगर हम बात करें, तो जब तक ट्रांजिस्टर का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, तब तक कभी भी हम इस फील्ड में मास्टर नहीं हो सकते। तो ट्रांजिस्टर को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ट्रांजिस्टर के कुछ सैंपल्स हमने यहाँ पर आपको दिखाए हैं, जिसमें नॉर्मल ट्रांजिस्टर और SMD ट्रांजिस्टर, जैसे आप ये देख रहे हैं SMD ट्रांजिस्टर। SMD मतलब जो सरफेस माउंट डिवाइसेस होती है, जो डायरेक्टली PCB पर हम SMD मशीन्स के थ्रू लगाते हैं, और बाकी जो आप लेग वाले देख रहे हैं, जिसे हम आयरन से सॉल्ड करते हैं। तो इतने तरह के आप देख सकते हैं। मेनली हमने कुछ रेजिस्टेंस के यहाँ पर हमने सैंपल्स लिए हैं, और जैसे कि अभी कॉर्नर पे जो देख रहे हैं, ये कि ये MOSFET टाइप ट्रांजिस्टर है। इसके बारे में इसके ऊपर वैसे हम पर्टिकुलर एक अलग चैप्टर बनाएंगे पूरा। तो हमने इसमें से ट्रांजिस्टर से रिलेटेड कुछ खास खास आपको इनके फॉर्म बताए थे कि मतलब ये किस तरह से जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो हमें दिखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, के ट्रांजिस्टर को इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों यूज़ किया जाता है और क्यों ये इतना खास कंपोनेंट है। देखिए, ट्रांजिस्टर को वैसे तो लगभग सभी कामों में यूज़ किया जाता है, पर बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है, उसका यूज़ होता है एम्पलीफिकेशन के लिए। आपने देखा होगा जो कमज़ोर सिग्नल्स होते हैं या जो ऑडियो सेक्शंस होते हैं, वहाँ पर एम्पलीफिकेशन के लिए ट्रांजिस्टर को यूज़ किया जाता है। स्विचिंग के लिए, मतलब किसी कंपोनेंट को ऑन या ऑफ़ करने के लिए, या पर्टिकुलर किसी सेक्शन में पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ़ करने के लिए, मतलब देना या नहीं देना, उसके लिए यूज़ किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेटिंग के लिए, कहीं पर वोल्टेज कम देना है या ज़्यादा देना है, या कम ज़्यादा करते हुए देना है, वो काम भी ट्रांजिस्टर करता है। ऑसिलेटर्स, जिसके बारे में हम मतलब DC to AC की बदलने कन्वर्सेशन की बात करते हैं, उसका भी काम करता है। मॉड्यूलेशन, मतलब ऑडियो सिग्नल को रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करना। डीमॉड्यूलेशन, मतलब रेडियो सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करना। देखिए, बेसिकली सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ किया जाता है वो एम्पलीफिकेशन, स्विचिंग और रेगुलेटिंग। कभी कभार ये तीनों ही काम एक साथ भी कर लेता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे कामों में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है। और हमारे जितने भी जो प्रोसेसर होते हैं, चाहे वो कंप्यूटर के हो, मोबाइल के हो या और किसी गैजेट के, उनके अंदर जितने भी प्रोसेसर यूज़ किए जाते हैं, उनके अंदर भी माइक्रो ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि मिलियंस में होते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, ट्रांजिस्टर बेसिकली दो तरह के होते हैं, BJT मतलब बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। BJT के अंदर दो टाइप्स होते हैं, PNP, NPN। PNP का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, NPN का मतलब होता है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और ऐसे ही जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होते हैं, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर होते हैं, JFET और MOSFET। देखिए, इस वीडियो में हम BJT ट्रांजिस्टर की कैटेगरी को समझने वाले हैं, क्योंकि इसको समझ लेने से ही ऑलमोस्ट आपका ट्रांजिस्टर पूरा कवर हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, MOSFET और JFET जो है, ये भी अपने आप में एक अलग टॉपिक हैं और बड़े टॉपिक हैं ट्रांजिस्टर को समझने के लिए। तो इनको हम एक अलग से इसके सेकेंड पार्ट में हम कवर करेंगे। तो अभी हम फिलहाल में BJT, उसके अंदर जो PNP और NPN आता है, इसको भी डिटेल में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि ट्रांजिस्टर आखिर काम क्या करता है। देखिए, जैसा कि अभी आपने देखा, ट्रांजिस्टर जो होता है एक 3 लेग का कंपोनेंट होता है। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 3 लेग है, वो सभी का अलग अलग काम होता है। एक इसमें एमिटर होता है, एक इसमें बेस होता है और एक इसमें कलेक्टर होता है। देखिए, एक तरह से ये स्विच जैसा काम करता है, जैसे यहाँ से आपका वोल्टेज इनपुट हो रहा है, यहाँ से आपका आउटपुट हो रहा है, लेकिन बीच में जो बेस है,
ये इन सप्लाई को कंट्रोल करता है, मतलब कब इसको आगे जाने देना है, कब इसको रोकना है, या फिर इसमें वोल्टेज कम देना है या ज़्यादा देना है, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन करना है या फिर इसे ऑन ऑफ मतलब स्विचिंग करना है, ठीक है ना, या इसे एम्पलीफाई करते हुए स्विचिंग या रेगुलेटिंग करना है। तो ये सारा काम जो होता है इन तीनों पिंस के थ्रू होता है, जिसमें से एक इनपुट और एक आउटपुट होता है और एक इसका बेस पॉइंट होता है जो ऑन ऑफ या फिर इसमें वोल्टेज कम या ज़्यादा करना है, एम्पलीफाई करने का काम करता है। वो भी हम आगे आपको एक एनिमेशन के एग्जांपल्स के साथ कम्प्लीटली समझाएंगे किस तरह से वर्क करता है। अभी सबसे पहले आप इसके कंसेप्ट को समझें। ये देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना जो कि हमने आपको पहले स्कीमेटिक्स और बाकी जो कंपोनेंट्स के डायग्राम्स में बताया था। तो इस तरह से देखिए इसका एक सर्किट डायग्राम में इस तरह से आपको आइकॉन देखने को मिलेगा। अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा तो आपको ऐसा आइकॉन देखने को मिलेगा, और जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है उसका आइकॉन आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो देखिए नाम से ही पता चलता है कि ये ट्रांजिस्टर जो होता है ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और ये वाला ट्रांजिस्टर जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। देखिए जितने भी हमारे मोबाइल फ़ोन और जो लैपटॉप कंप्यूटर के मदरबोर्ड्स होते हैं इनमें 90% ऑलमोस्ट 90% एनपीएन ट्रांजिस्टर को यूज़ किया जाता है। कुछ जगहों पर इन्हें 10% मतलब अपन मान ले तो वहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है। अब ये काम किस तरह से करता है उसका हम आपको एक एनिमेशन के थ्रू आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि ट्रांजिस्टर किस तरह से काम करता है और आखिर सर्किट में इसकी क्या ज़रूरत होती है। देखिए अभी हमने आपको एक सिंपल सा एनिमेशन दिखाया है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 3 वोल्ट की बैटरी है और एक हमारी नॉर्मल 3 वोल्ट की एलईडी है। अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें नॉर्मली करंट दिया हुआ है जिससे ये हमारा एलईडी जो है जल रहा है, ठीक है ना, मतलब नॉर्मली इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की सप्लाई दी हुई है और ये लाइट जो है ये ऑन हो रही है। अब नॉर्मली होता क्या है, जैसे हमारा सेल फोन है या लैपटॉप है, अब आपने देखा होगा इसमें बहुत सारी एलईडी होती हैं, जगह जगह पर एलईडी यूज़ होती है, अलग अलग की यूज़ होती है, अलग अलग वाइब्रेटर, मतलब बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे यूज़ में होते हैं। अपने मोबाइल के अंदर भी आपने देखा होगा कि बैटरी एक ही होती है लेकिन उसमें वाइब्रेटर भी होता है, उसी में फ्लैश लाइट होती है, अगर दो कैमरे होते हैं तो बैक कैमरे का भी फ्लैश लाइट अलग होता है, फ्रंट का भी अलग होता है। उसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं या पर्टिकुलर पावर के ऐसे कुछ सेक्शन होते हैं जहाँ पर एक ही बैटरी से पावर ऐसी अलग अलग जगह पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब देखिए अगर हम सोचें कि हमें इस एलईडी को या फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए एक स्विच लगा देना चाहिए तो आप सोचिए इसमें कितनी सारी एलईडीज लगी होती हैं, कितने सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं जहाँ पावर सप्लाई देना होता है। अगर हम हर चीज़ के लिए स्विच लगाने लगे तो उसे मैनुअली कौन ऑन करेगा, किस तरह से ये सर्किट काम करेगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक तरीका होता है जिसके लिए ट्रांजिस्टर को यूज़ किया जाता है। अभी हम आपको इसमें एक और एनिमेशन दिखाएंगे, उसमें बताएंगे ट्रांजिस्टर को किस तरह से सर्किट में ला करके इस काम को इजी किया जा सकता है। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर एक सर्किट बना हुआ है। पहले हमने आपको एक नॉर्मल सर्किट बनाया था जिसमें से बैटरी से डायरेक्टली स्विच मतलब एक एलईडी को पावर दिया जा रहा था। अब उसमें ऐसा था कि हमें उसमें स्विच लगाना पड़ता कि ज़रूरत पड़ने पर हम उसे चालू करें या बंद करें, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता कि एलईडी को हमें कम चालू करना है या 50% वोल्टेज देना है, कम ज़्यादा करना है, या ज़रूरत पड़ने पर ही हमें चालू करना है। तो इसको मैनेज करने के लिए देखिए अब यहाँ पर ट्रांजिस्टर का यूज़ किया। अब पहले उस सर्किट में क्या हो रहा था कि डायरेक्टली दोनों सप्लाई मिल रही थी और वो एलईडी ऑन हो रही थी, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम ज़रूरत पड़ने पर उसे चालू करना चाहते हैं या ज़रूरत पड़ने पर उसे कम या ज़्यादा चालू करना चाहते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ कैसे होता है। यहाँ पर देखिए जो सिंपल सा डायग्राम है तो पॉजिटिव की सप्लाई इसके अंदर डायरेक्टली जा रही है। देखिए सर्किट में होता क्या है, जैसे अगर हमें एलईडी जलाना है तो इसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की सप्लाई देना होगा जिससे हमारा सर्किट कंप्लीट होगा और हमारी ये एलईडी जो है वो जलने लग जाएंगी। लेकिन अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर इसमें पॉजिटिव की सप्लाई तो इसको मिल रही है लेकिन नेगेटिव की सप्लाई यहाँ से आकर के ये ट्रांजिस्टर के एमिटर पॉइंट पर आकर रुक गई। अभी रुकी क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी ट्रांजिस्टर यहाँ पर ऑफ है। तो ट्रांजिस्टर ऑफ क्यों है, क्योंकि ट्रांजिस्टर ऑन तब होता है जब इसके बेस पॉइंट पे वोल्टेज दिया जाए। मैं आपको वापस सभी एक डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है जैसे आप यहाँ पे एनपीएन देख रहे हैं और पॉजिटिव देख रहे हैं, जैसे अभी आप एनपीएन में देखिए सपोज यहाँ से हमारा एक लाइन आ रही है वो यहाँ से होती हुई नीचे जा रही है, लेकिन ये लाइन यहाँ से यहाँ पास कब होगी, जब उसके बेस पॉइंट पर वोल्टेज आएगा। मतलब ये कि ऊपर से सपोज ये समझ लीजिए आप एक स्विच है, ये एक स्विच है और इसमें ऊपर से जो वोल्टेज आ रहे हैं वो नीचे तभी जा पाएंगे जब यहाँ पर उसमें वोल्टेज आएंगे। देखिए फ्रेंड्स एनपीएन और पीएनपी में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो पॉजिटिव की सप्लाई आती है बेस पर, यहाँ पर नेगेटिव की सप्लाई आती है। तो इस तरह से ये नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। देखिए इन दोनों का काम एक ही होता है, बस एक में बेस पर नेगेटिव आता है, एक में बेस पर पॉजिटिव आता है, लेकिन एक तरह से स्विच होता है कि ऊपर से एक सप्लाई आ रही है, जब बेस पर करंट आएगा तभी वो सप्लाई नीचे पास हो पाएगी, मतलब ये स्विच ऑन हो पाएगा।
है ना, ये दोनों में ऐसा ही होता है, बस एक नेगेटिव के लिए काम करता है, एक पॉजिटिव के लिए काम करता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे सर्किट में क्या हो रहा है कि पॉजिटिव तो डायरेक्टली हमारे एलईडी को मिल रहा है, अब लेकिन यहाँ से बैटरी से नेगेटिव सप्लाई एमिटर पर डायरेक्टली आ रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो कलेक्टर से पास नहीं हुई है, ठीक है ना। वो पास क्यों नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर बेस पर अभी करंट नहीं है, क्योंकि हमारा ट्रांजिस्टर तभी ऑन होता है, मतलब वो तभी वर्क करता है जब उसके बेस पर करंट आता है। अब देखिए हम आपको एक दूसरा एनिमेशन बताएंगे जिसमें ट्रांजिस्टर को ऑन किया गया। अब ये देखिए, अब इस सर्किट में आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी सर्किट कंप्लीट हो चुका है और हमारी एलईडी ब्लिंक करने लग गई है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए हमारा जो ट्रांजिस्टर था उसके एमिटर पर वोल्टेज आ रहे थे, लेकिन उस समय बेस पर वोल्टेज नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे ही बेस पर वोल्टेज आए तो हमारे एलईडी को इसने हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो गया और इसने करंट पास करके एमिटर से उसे कलेक्टर पर भेज दिया, और जो कि हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया और हमारी एलईडी जो है वो ब्लिंक करने लग गई। अब ऐसा कैसे हुआ, देखिए हमने अभी आपको समझाया था कि कोई भी ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए उसके बेस पे वोल्टेज देना होता है। देखिए आपने देखा होगा ट्रांजिस्टर के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, हम देखिए आपको यहाँ पर स्क्रीन पर जो भी हमने आपको पहले स्टार्टिंग में कुछ ट्रांजिस्टर की इमेज बताई थी वो इमेज दोबारा से दिखा रहे हैं। आप इस इमेज में देखेंगे तो यहाँ पर हर ट्रांजिस्टर के ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए हैं। इस नंबर के हिसाब से मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट पर जाकर या इंटरनेट पर अगर आप सर्च करेंगे इस आईसी का नंबर डाल के, तो आपको उसकी डेटा शीट डाउनलोड करने को मिलेगी। डेटा शीट आपको पीडीएफ के या इमेज के फॉर्म में हो सकती है, जो उस ट्रांजिस्टर की पूरी डिटेल देती है, मतलब ये ट्रांजिस्टर मिनिमम कितने वोल्ट पर चलता है, हाईएस्ट कितने वोल्ट पर चलता है, और इसका जो बेस पॉइंट होता है उस पर हमें कितना वोल्टेज देना होता है। देखिए किसी भी ट्रांजिस्टर में उसका जो एमिटर और कलेक्टर होता है ये ज़्यादा वोल्ट के होते हैं, और जो उसका बेस होता है वो कम वोल्ट का होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने अभी आपको यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर बताया, सपोज ये 3 वोल्ट का है, तो इसका जो बेस पॉइंट है वो मिनिमम वोल्ट से स्टार्ट होता है, मतलब अगर ट्रांजिस्टर को ऑन करना है तो उसको 0.5 वोल्ट के ऊपर जब वोल्टेज मिलते हैं तब ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है। 0.1 से 0.4 तक इस ट्रांजिस्टर पर कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, जैसे ही इसके ऊपर 0.5 से ऊपर वोल्ट मतलब 0.6 वोल्ट आते हैं ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, और इसके बेस के मैक्सिमम वोल्टेज जो है 0.8 होते हैं। मतलब जैसे ही इस ट्रांजिस्टर के ऊपर 0.6 वोल्ट आएगा ये ऑन हो जाएगा, और जैसे ही ऑन होगा तो एमिटर के करंट को कलेक्टर पर पास कर देगा। लेकिन इसमें देखिए इसका भी कुछ रेशियो होता है, जैसे अभी यहाँ पर अगर 0.6 वोल्ट इसको मिलेगा तो यहाँ से इसे 3 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन इसे 2 वोल्ट भेजेगा, हो सकता है 0.7 वोल्ट मतलब बेस पे थोड़ा सा वोल्ट बढ़ेगा तो ये 2.5 वोल्ट तक आगे भेज देगा, और जैसे इसे फुल वोल्टेज इसका मिल जाएगा 0.8 वोल्ट, ये बेस पे से जो है पूरा वोल्टेज 3 वोल्ट आगे भेज देगा। देखिए ये जो लाइन होती है बेस वाली, इसे पावर आईसी या कोई सर्किट मैनेज करता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारे फ़ोन के कैमरा सेक्शन में एलईडी लगी है, लेकिन जब हम कैमरा ऑन करते हैं और जिस समय हम फोटो कैप्चर करते हैं बस उसी समय फ्लैश लाइट को ऑन करना है, तो नॉर्मली ये सर्किट स्टैंड बाय मोड में आपको सर्किट ऐसा मिलेगा, लेकिन जब उस समय फ्लैश ऑन करना होगा तब पावर आईसी से वहां से एक लाइन भेजी जाएगी, जिसे अगर आप सर्किट डायग्राम में देखेंगे तो ईएन सिग्नल कहा जाता है, इनेबल सिग्नल। जो इनेबल सिग्नल होता है एक्चुअली में वो यही होता है कि वो ट्रांजिस्टर पर बेस लाइन पर सप्लाई आती है, जिससे ये सर्किट कंप्लीट होता है, ट्रांजिस्टर ऑन होता है और वो फ्लैश लाइट अपना काम स्टार्ट करती है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमारे जो मोबाइल की पावर आईसी होती है वो मोबाइल के अलग अलग कंपोनेंट्स को या अलग अलग सेक्शंस को इस तरह से ही पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है। आपने देखा होगा हमारे मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के पीसीबी के अंदर जगह जगह ट्रांजिस्टर अलग अलग लगे होते हैं, कुछ एलईडी के पीछे ट्रांजिस्टर लगा होता है, कुछ वाइब्रेटर के पीछे होता है, तो वो इस तरह से मैनेज करते हैं। नॉर्मली उन्हें क्या होता है जो पावर सप्लाई है वो कंटिन्यूसली मिलती है, लेकिन एक साइड से चालू रहती है, एक साइड से उसको ट्रांजिस्टर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, और जब भी उसकी ज़रूरत होती है तो पावर आईसी से उसे इनेबल सिग्नल भेजा जाता है जो कि उसके बेस पर आता है, और जिस वजह से हमारा ट्रांजिस्टर ऑन होता है, और हमारा ये जो ट्रांजिस्टर होता है ये स्विचिंग का भी काम करता है, वोल्टेज रेगुलेटर का भी काम करता है, और एम्पलीफाई का भी काम करता है। तो इस तरह से हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो एक सर्किट में अपना काम करता है। देखिए इस एक ट्रांजिस्टर के लगा देने से इस सर्किट में बहुत सारे काम ऐसे जो होते हैं वो ऑटोमेटेड हो जाते हैं, मतलब वहाँ पर मैन्युअली हमें यूज़ नहीं करना पड़ता, वो एक ही आईसी। जैसे पावर आईसी को भी देखिए उसको पावर कंजप्शन भी बहुत कम होता है ऑन ऑफ करने के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.6 से 0.8 वोल्ट जो कि एक वोल्ट भी नहीं होता, लेकिन इतने छोटे वोल्टेज से वो इतने बड़े सर्किट को मैनेज कर लेती है पावर आईसी। इस वजह से पावर आईसी का काम भी आसान हो जाता है, और आप देख सकते हैं छोटे से ट्रांजिस्टर ने इतना बड़ा काम जो है वो आसान कर दिया। देखिए ओरिजिनल सर्किट में इसके अंदर कुछ कैपेसिटर्स और कुछ रेजिस्टेंस भी लगे होते हैं, क्योंकि सर्किट तभी कंप्लीट होता है, लेकिन हमने आपको सिर्फ एक सिखाने के लिए यहाँ पर मतलब एक समझाने के लिए एक ये छोटा सा एनिमेशन बनाया था।
अब देखिए हम सिंबल के ऊपर बात करते हैं, जो कि हमने भी आपको पहले भी बताया था। अगर आप सर्किट डायग्राम में देखेंगे तो वहां पर आपको इस तरह से आइकॉन देखने को मिलेंगे इनके। देखिए एनपीएन का जो है आइकॉन इस तरह से होता है, पीएनपी का। इसमें देखिए बस एक डायोड का चेंज होता है जो कि इनपुट और आउटपुट में होता है। तो आपको हमने इससे पहले जो डायोड के लेसन में बताया था, ये डायोड का ही साइन है। बस इसमें एक ही डिफरेंस होता है कि एक साइड से बेस पे नेगेटिव आता है और एक साइड से पॉजिटिव आता है, तब जाकर के ये स्विच ऑन होता है। मतलब एक नेगेटिव सप्लाई से ऑन होता है, एक पॉजिटिव सप्लाई से ऑन होता है। इस वजह से इनके सिंबल जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, और थोड़ा सा बस ये डायोड का जो एनोड कैथोड का जो है आइकॉन, इसका ही चेंजेस होता है। ये देखिए सर्किट में आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ये भी हमारा जो है ट्रांजिस्टर है, और अब यहाँ पर जो देख रहे हैं ये भी हमारा ट्रांजिस्टर है। ये सर्कल में है या बिना सर्कल के, लेकिन ये हमारा ये डिफाइन करता है कि यहाँ पर हमारा ट्रांजिस्टर लगा है। और आप देख सकते हैं इसका डिनोटिंग लेटर क्यू होता है। सर्किट डायग्राम में जहाँ भी ट्रांजिस्टर लगा होगा उसके आइकॉन के साथ में क्यू लिखा होगा। आइकॉन नहीं भी होता, देखिए ये जो है ट्रांजिस्टर को डिफाइन करता है, लेकिन साथ में सर्किट डायग्राम में क्यू वन लिखा होता है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे क्यू वन के साथ में एक नंबर लिखा हुआ है 2N3904, मतलब ये हमारा ट्रांजिस्टर है जिसका ये नंबर है। अगर नेट पर से आपको डेटा शीट डाउनलोड करनी है तो उसका ये यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है। मोबाइल के भी सर्किट डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ट्रांजिस्टर का आपको ये नंबर मिलेगा, उस नंबर के थ्रू आप उसका डेटा शीट डाउनलोड करके पता कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर कितने वोल्ट का है, इसका बेस का क्या है, मतलब इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन आप नेट से चेक कर सकते हैं। देखिए जो बड़े ट्रांजिस्टर होते हैं उन पर तो नंबर लिखा होता है, लेकिन मोबाइल के जो ट्रांजिस्टर होते हैं, जो एसएमडी ट्रांजिस्टर होते हैं, उनके ऊपर लिखा नहीं होता है, जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको डेटा शीट नेट से डाउनलोड करने के बाद ही पता चल सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हाउ टू टेस्ट ट्रांजिस्टर, मतलब ट्रांजिस्टर को किस तरह से चेक किया जाता है। देखिए ट्रांजिस्टर को हम किसी भी नॉर्मल मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, और कुछ सेकंड के अंदर ही आप इसे चेक कर सकते हैं, जिसमें हमें सिर्फ चार बातों का ध्यान रखना होता है। देखिए सबसे पहले हम आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर चेक करने के बारे में बताएंगे। देखिए ये भी हो सकता है कि आपके पास ट्रांजिस्टर एनपीएन आता है या पीएनपी आता है, आपको तो ये भी पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको उसके लिए सिर्फ चार बातों को ध्यान में रखना है। देखिए मल्टीमीटर में दो प्रॉब होती है, रेड और ब्लैक होती है, ठीक है, और हमारे ट्रांजिस्टर में टोटल थ्री लेग होती है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले कहीं पर भी हमें एक रेड प्रॉब को रख देना है। रेड प्रॉब को रख देने के बाद, जैसे सपोज आपने इस डायग्राम के हिसाब से बीच वाले पर रखा, और ब्लैक प्रॉब से आपको बाकी दोनों के ऊपर चेक करना है। तो अगर इन बाकी दोनों पर वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटर जिस पर आपने रेड रखा है ये आपका बेस है, और बाकी जो दो हैं वो कलेक्टर और एमिटर है। अब इसमें एक बात ये भी आती है, ये भी हो सकता है कि आपने रेड प्रोब सपोज यहाँ रखी तो बाकी दो पे कोई वैल्यू ना है, तो कोई दिक्कत नहीं, रेड प्रोब को वापस उठाकर आपको फर्स्ट वाले पर रखना है, देन उसके बाद बाकी इन दो को ब्लैक प्रोब से चेक करना है। हो सकता है इस बार भी वैल्यू ना है, तो आपको क्या करना है, फिर अगली बार वापस से रेड प्रोब को उठा के यहाँ पर रखना है और इन बाकी दो पे चेक करना है। अगर इन दोनों पर ओम्स आ जाते हैं तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि जहां पर आपने रेड प्रोब रख के बाकी दो पर ब्लैक से चेक किया, और वहां पर अगर कोई वैल्यू आए, वैल्यू चाहे कितनी भी आए, वो 100, 200, 500, 1000 जितनी भी आए, लेकिन किसी एक पॉइंट पे, जैसे सपोज अगर हम इसी डायग्राम की बात करें, यहां पर हमने रेड प्रोब रखा है और बाकी दो के ऊपर ब्लैक रखा, और उन दोनों पर अगर ओम्स आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा जिस पर आपने रेड रखा था ये हमारा बेस है, और ये जो दो बाकी हैं ये हमारा एमिटर और कलेक्टर है। अब बात ये आती है कि अब इन दोनों में से कौन सा एमिटर है, कौन सा कलेक्टर है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखा है, हायर वैल्यू विल बी एमिटर एंड लोअर वैल्यू विल बी कलेक्टर। मतलब जब आप बेस पॉइंट पर रेड प्रोब को रख के बाकी दो पे चेक करते हैं, सपोज यहाँ पर कम आते हैं वैल्यू और यहाँ पर ज़्यादा आती है, तो जहाँ पर ज़्यादा आती है वो हमारा एमिटर हुआ, जहाँ पर कम वैल्यू आती है वो हमारा कलेक्टर हुआ। अब देखिए इसमें एक और बात, जैसे कि अगर आप मल्टीमीटर की रेड प्रोब को कहीं भी रख के ब्लैक प्रोब से चेक करते हैं, अगर इन तीनों पॉइंट में से किसी एक पर भी बजर आता है या किसी दोनों पर बजर आता है, इसका मतलब ये होता है कि ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो चुका है। या कभी ऐसा होता है कि आपने तीनों ही पॉइंट पर अलग अलग प्रॉब रख के चेक कर लिया और कहीं भी कोई वैल्यू नहीं आई, तो ट्रांजिस्टर जो है हमारा उसे हम ओपन मान सकते हैं, मतलब ये इसके पॉइंट अंदर से कुछ डैमेज होगा जिस वजह से ये अंदर से डिस्कनेक्ट हो चुका, तो इसे हम ओपन मान सकते हैं। अगर बीप आती है तो उसे हम शॉर्ट मान सकते हैं कि ये पूरी तरह से शॉर्ट हो चुका है। तो इस तरह से हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम चेक कर सकते हैं।
अब बात करते हैं हम पीएनपी ट्रांजिस्टर। देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर में इसका पूरा अपोजिट हो जाता है। जैसे हमने रेड प्रोब रख करके हमने बेस को पता किया था, वैसे ही पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर हम ब्लैक प्रोब को रख के बाकी जो दो पॉइंट होते हैं उसे रेड प्रोब से चेक करते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए इस डायग्राम के हिसाब से अगर आपने सेंटर पॉइंट पे ब्लैक वाली प्रोब रखी और बाकी दो पर रेड से चेक किया एक एक करके, और यहाँ पर अगर वैल्यू आती है दोनों साइड पे, तो इसका मतलब ये है कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, और जहाँ पर आपने ब्लैक प्रोब रखी है मल्टीमीटर की वो आपका बेस पॉइंट है। अब जहाँ पर हमारी वैल्यू ज़्यादा आएगी वो हमारा एमीटर है, जहाँ पर रेड प्रोब में वैल्यू कम आएगी वो हमारा कलेक्टर है। इस तरह से हम ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग करते हैं। सेम यहाँ पर भी अगर इस पर कोई वैल्यू नहीं आती है किसी भी प्रोब से तो ये ओपन हो चुका है। अगर इन दोनों में से मतलब इन तीनों में से किसी दो एक पर या किसी दो पर अगर बजर या कंटिन्यूटी आती है, इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये शॉर्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको ट्रांजिस्टर के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी, जिसमें हमने आपको बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में और एनपीएन पीएनपी जो उसकी दो कैटेगरी की है उसके बारे में बताया। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स या इश्यूज है तो आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं, जिसका हम आपको 101% रिप्लाई में आंसर देंगे। और देखिए अभी ट्रांजिस्टर के इसके अंदर दो चीज़ें और बची हुई हैं, JFET ट्रांजिस्टर और MOSFET ट्रांजिस्टर, ये अभी बचे हुए हैं जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो हम हमारे व्यूअर्स के लिए बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।